Hello everybody, welcome into the class 9th. I hope you all are staying your homes and doing your study properly. So now we will read the chapter number 2 of science, is matter around us pure. ये वाले chapter की हमारी काफ़ी सारी videos आ चुकी हैं. आज हमें कहाँ से पढ़ना है ये chapter? हमें पढ़नी थी properties, colloidal solution की properties हमें यहाँ पे पढ़नी थी. अब पेज नंबर 23 है ये. ब्राउनियन मोशन से हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? ब्राउनियन मोशन. अ कोलाइडल सिस्टम शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्राउनियन मोशन, टिंडल इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस. जो कोलाइडल सिस्टम है वो तीन तरह की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज़. फर्स्ट है ब्राउनियन मोशन, सेकेंड इज टिंडल इफेक्ट एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोफोरेसिस. सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी ब्राउनियन मोशन. ब्राउनियन मोशन देखते हैं क्या होता है. ब्राउनियन मोशन, रैंडम मोशन इन ज़िगज़ैग पाथ फॉलोड बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन. ये क्या होता है? ब्राउनियन मोशन. तो इसके नाम से ही क्या पता पड़ रहा है? मोशन, यानी कि इस चीज़ के अंदर क्या हो रहा है? मोशन होगा. तो कैसा मोशन हो रहा है बेटा? रैंडम मोशन. रैंडम मोशन क्या होता है? वो मोशन जो बिल्कुल एक डायरेक्शन में नहीं होता, उसकी कोई डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं होती, वो कभी भी किधर भी हो सकता है. ठीक है, उसका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता. ठीक है, यानी कि कभी भी किधर भी मूव कर जाते हैं. जो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होंगे ना, इसमें कहीं भी किधर भी मूव कर जाते हैं. तो कौन सा पाथ बन जाता है? ज़िगज़ैग पाथ. कैसे बनेगा ज़िगज़ैग पाथ? आप इस ब्राउनियन मोशन का एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं. यहाँ पे जैसे ये सर्कल्स हैं, ये किसको किसको शो कर रहे हैं यहाँ पे? रेंड जो पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स को ये शो कर रहे हैं. तो ये कोलाइडल पार्टिकल्स किधर भी मूव कर रहे हैं, पहले इस डायरेक्शन में जाने लग गए, फिर यहाँ से इसमें आ गए, इधर से इधर आ गए, इधर से इधर और यहाँ पे. तो इससे हमें क्या क्या पता लग रहा है, क्या सीन हो रहा है इस डायग्राम से हमें, कि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो किधर भी मूव हो रहे हैं, इनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है. तो इसकी डेफिनेशन ही यही है बेटा, रैंडम मोशन इन ज़िगज़ैग पाथ फॉलोड बाय कोलाइडल पार्टिकल्स. कोलाइडल पार्टिकल्स के द्वारा ज़िगज़ैग पाथ में जो मोशन होता है उसको क्या कहते हैं? रैंडम मोशन होता है, उसको क्या कहते हैं हम? ब्राउनियन मोशन. ठीक है, तो ये डेफिनेशन ज़रूर लर्न करनी है आपको, अपने नोट्स में भी लिखनी है. रैंडम मोशन इन ज़िगज़ैग पाथ फॉलोड बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन. दिस टाइप ऑफ मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन. इस तरह की जो इस टाइप का जो मोशन होता है किसका? कोलाइडल पार्टिकल्स का. उसको हम क्या कौन सा मोशन कहते हैं? ब्राउनियन मोशन, आफ्टर द नेम ऑफ इट्स डिस्कवर्ड रॉबर्ट ब्राउन. तो ये जो ब्राउनियन है वो कैसे पड़ा इसका नाम? जो रॉबर्ट ब्राउन थे ये क्या थे बेटा? एक इंग्लिश के बॉटनिस्ट थे. ठीक है, काफ़ी जाने माने इंग्लिश के बॉटनिस्ट थे. इनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन वॉज ए इंग्लिश बॉटनिस्ट हु फर्स्ट ऑब्जर्व. उन्होंने वही ऐसे पहले थे जिन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द ज़िगज़ैग मोशन ऑफ पोलन ग्रेन सस्पेंडेड इन वाटर्स. तो जो इंग्लिश के बॉटनिस्ट थे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? अंडर द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द ज़िगज़ैग मोशन ऑफ पोलन ग्रेन सस्पेंडेड इन वाटर. जो ज़िगज़ैग मतलब जो वाटर के अंदर क्या थे, जो पॉलन ग्रेन्स थे वो सस्पेंडेड हो रखे थे वाटर के अंदर. तो उनका क्या मोशन हुआ? उन्होंने ज़िगज़ैग मोशन को नोटिस किया या फिर ऑब्जर्व किया अंडर द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर. ठीक है, तो वहाँ से निकला है हमारा ये ज़िगज़ैग पाथ फॉलोड बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स इन अ रैंडम मोशन. ठीक है, ये चीज़ देखी थी उन्होंने, ऑब्जर्व किया था, उसके बाद ये एक निकाला है ये. अब द बेसिक कॉज ऑफ ब्राउनियन मोशन इज ड्यू टू द कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम एंड कोलाइडल पार्टिकल्स. जो बेसिक कॉज है यानी कि बेसिक जो कारण होता है ब्राउनियन मोशन का, वो किस वजह से होता है बेटा? कॉलिजन होता है. किस किस के बीच में? मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम के कुछ मॉलिक्यूल्स के बीच में और जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है? कॉलिजन होता है. कॉलिजन मतलब टकराते हैं, कॉलिजन होता है. ठीक है, तो इस वजह से ब्राउनियन मोशन देखा गया ज़्यादातर. तो ठीक है, तो टकराते हैं तो वो क्या करते हैं बेटा? ज़िगज़ैग मूव करते हैं, यानी कि एक डायरेक्शन में जब कोई चीज़ कोलाइड करवाएंगे हम तो वो क्या एक डायरेक्शन में नहीं जा पाती है, लगभग क्या होता है वो
किधर भी जाती है, रैंडम मोशन होता है उनका, कोई लाइट किधर चली गई, कोई कुछ भी इधर चला गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक zigzag पाथ होता है, zigzag पाथ फॉलोड बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। तो ये ब्राउनियन मोशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, टिंडल इफेक्ट। और एक चीज़ और जो मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, ब्राउनियन मोशन, टिंडल इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इलेक्ट्रोफोरेसिस ये आपके ना 11th 12th उसके बाद भी अगर आप साइंस फील्ड में जाते हैं तो तब भी सब हमेशा आएगा आपके, हर एक क्लास में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये, एग्ज़ाम में भी आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं इन टॉपिक्स के। तो इनको तो बिल्कुल अच्छे से देख लेना। और क्या करना, अगर आपको और भी अच्छे से समझना है, आपको 3D इफेक्ट के साथ अगर आपको ये समझना है, तो आप ये वीडियो भी किस में देख रहे हो, YouTube पे देख रहे हो, तो ये वीडियो एक बार देखने के बाद आप सर्च करना ब्राउनियन मोशन और टिंडल इफेक्ट, ठीक है, दोनों एक अलग अलग सर्च करना, तो ब्राउनियन मोशन से रिलेटेड बहुत सारी आपको वीडियोज़ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पर आप बहुत सारी वीडियोज़ देखने को मिल जाएगी जिसके ज़्यादा मिलियन व्यूज़ होंगे, आप वो देख लेना। और आपको इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको समझ में आ जाएगी चीज़ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अभी तो हम क्या रट भी लेंगे, मैंने आपको समझाया कि अच्छा अच्छा ये होता है, ये कहानी सुन ली आपने एक कहानी की तरह, आपको एक्चुअल में समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी तो हम क्या है सिर्फ वीडियो के थ्रू ही पढ़ा सकते हैं आपको, है ना, तो अभी इतना अच्छे से समझा नहीं सकते। तो आप क्या करना, एक बारी ब्राउनियन मोशन भी डालना, टिंडल इफेक्ट भी डालना, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी डालना, बहुत सारी वीडियोज़ आ जाएगी, 3D वीडियोज़ आ जाएंगी, 3D इफेक्ट के साथ आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये चीज़ कर लेना आप, ताकि मेन चीज़ है आपको समझ में आना, ठीक है, कहीं से भी आए। अब हम देखते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्टार लगा लो इसको। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, बहुत अच्छे से समझना, आपको एक डायग्राम भी दिया हुआ है, पहले हम इसको डिक्टेट करके पढ़ लेते हैं। When a strong beam of visible light is passed through a true solution, जब कोई strong beam, visible light की strong beam pass करवाई जाती है किसी true solution में से, यानी कि जो ये beam of light है, ये क्या लग रहा हुआ है यहाँ पे, एक lens लगा हुआ है, और ये light डाल रहे हैं हम, किसके ऊपर light डाल रहे हैं हम, एक true solution, ये एक vessel है, beaker vessel कुछ भी बोल दो, उसके अंदर क्या एक solution भरा हुआ है, उसके अंदर से हम लेंस के थ्रू हम बीम ऑफ लाइट को पास करवा रहे हैं, ठीक है। टेकन इन अ बीकर एंड प्लेस्ड इन अ डार्क कंटेनर, और उसको किस में रख दिया हमने, एक डार्क कंटेनर, द पाथ ऑफ द लाइट इज डार्क, और जो डार्क लाइट का जो पाथ है वो भी क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। बट इफ द लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। लेकिन जब हम क्या करेंगे बेटा, पास करवाएंगे लाइट को किस में से, कोलाइडल सॉल्यूशन में से, जब हम लाइट को हम इसमें से पास करवाएंगे, तो जो सॉल्यूशन हो, जो पाथ ऑफ लाइट है, यानी कि थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन द पाथ ऑफ लाइट विजिबल, क्या हो जाएगा, विजिबल। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं बेटा, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को आप इस डायग्राम के थ्रू समझिए, हमने क्या लिया बेटा, एक बीकर ले लिया, बीकर के अंदर क्या भर दिया हमने, कोलाइडल सॉल्यूशन भर दिया, फिर हमने क्या किया, ये लेंस दिख रहा है आपको, इस लेंस के थ्रू हमने क्या करी, एक लाइट पास करवाई, बीम ऑफ लाइट पास करवाई, किसमें से, इस कोलाइडल सॉल्यूशन में से जो बीकर के अंदर रखा हुआ है, और जो डार्क कंटेनर, एंड प्लेस्ड इन अ डार्क कंटेनर द पाथ ऑफ द लाइट इज डार्क, तो जो डार्क कंटेनर में रखा हुआ है, तो जो पाथ है ना लाइट का, वो भी क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। लेकिन बट इफ द लाइट, लेकिन जब हम पास करवाते हैं, जब लाइट को हम पास करवाते हैं, तो क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू हम जब पास करवाते हैं, तो जो पाथ ऑफ लाइट होता है वो क्या हो जाता है बेटा, विजिबल हो जाता है, दिखने लगता है, विजिबल हो जाता है, और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। इट इज कॉज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स, ये किस वजह से होता है, तो ये इस वजह से होता है बेटा, क्योंकि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, किस वजह से होता है, टिंडल इफेक्ट क्यों शो होता है, कॉज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से, जो लाइट का स्कैटरिंग होती है, यानी कि स्कैटर अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाती है, यानी कि फैल जाती है क्या, लाइट, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब लाइट का अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाना, द कोलाइडल पार्टिकल्स एब्जॉर्ब द इंसिडेंट लाइट, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, जो इंसिडेंट लाइट है, यानी कि जो लाइट उनके ऊपर पड़ रही है,
उसको क्या कर लेते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद क्या कर देते हैं, उनको स्कैटर कर देते हैं यानी कि फैला देते हैं. एंड आर इल्यूमिनेटेड व्हेन पाथ ऑफ लाइट थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन इज ऑब्जर्व्ड बाय माइक्रोस्कोप अ ब्लूइश कोन इज ऑब्जर्व. दिस कोन इज कॉल्ड टिंडल कोन. जब हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो लाइट पाथ ऑफ लाइट होता है कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू, जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं, एक ब्लूइश कोन जो ब्लूइश कलर का होता है थोड़ा सा, उस कोन को ऑब्जर्व किया जाता है. तो वो कौन सा कोन कहलाता है बेटा, टिंडल कोन. क्या कहलाता है, टिंडल कोन, क्योंकि वो टिंडल इफेक्ट में शो हो रहा है. अब जैसे यहाँ पे इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं, ये क्या कोन का शेप है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, टिंडल कोन. और कौन से कलर का होता है, थोड़ा ब्लूइश कोन कहा जाता है इसको. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये किस वजह से होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है. पहले तो हमने ये देखा कि जब हम किसी लाइट को, बीम ऑफ लाइट को लेंस के थ्रू पास करवाते हैं किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में, जो बीकर में रखा हुआ है हमारा एक कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, तो जब हम उसे पास करवाते हैं तो एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होता है, उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, कंटेनर को डार्क कंटेनर में रखा जाता है. एक तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ना, वो डार्क कंटेनर में रखा जाता है, इसलिए जो पाथ ऑफ लाइट है वो भी क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है. लेकिन जब वो लाइट जो कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर पड़ती है तो वो क्या कर लेते हैं, जो इंसिडेंट लाइट होती है उसको क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं. फिर ऑब्जर्व करने के बाद वो क्या कर देते हैं, उसको स्कैटर कर देते हैं, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में उसको फैला देते हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं. और ये जो किसकी वजह से होता है, अगर आपसे पूछे टिंडल इफेक्ट क्यों शो होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से शो होता है. ठीक है, और जो पाथ होता है लाइट का पाथ, जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन में हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो क्या देखते हैं, उसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं एक ब्लूइश कोन, ब्लूइश कोन को देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, तो वो ब्लूइश कोन को क्या कहा जाता है बेटा, टिंडल कोन कहा जाता है. जो यहाँ पे ये बन रहा है इसको क्या कहते हैं हम, टिंडल कोन. समझ में आ गया कि क्या होता है टिंडल इफेक्ट, किसकी वजह से होता है. इसके एक बार हम इफेक्ट्स एग्जाम्पल देख लेते हैं टिंडल इफेक्ट के, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल तो हर किसी के इंपॉर्टेंट होते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, अ ब्लू कलर ऑफ स्काई विजिबली ऑफ टेल्स ऑफ कॉमेट्स एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ टिंडल इफेक्ट. जैसे आप नीले आसमान में आप क्या क्या देख सकते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होते हैं, या फिर हम कॉमेट्स जानते हैं ना आप क्या होते हैं, स्काई के अंदर जो हमें तारे दिखते हैं, मून, ये सब हमें किस वजह से दिख रहा है, क्यों दिखता है ये, क्योंकि स्कैटरिंग जो टिंडल इफेक्ट है जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, उसकी वजह से ये सब हम अच्छे से देख पाते हैं ब्लू स्काई में. ठीक है, द ब्लू कलर ऑफ स्काई विजिबली ऑफ टेल्स ऑफ कॉमेट्स एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये सब किसके बेसिस पे एक्सप्लेन किए जाते हैं, टिंडल इफेक्ट के बेसिस पे ही ये सब कुछ हो रहा है. ओके, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल होल. ठीक है, जो टिंडल इफेक्ट है तब भी ऑब्जर्व किया जाता है जब हम एक बीम ऑफ लाइट, कोई जैसे कि एक डार्क रूम है, ठीक है, बिल्कुल ब्लैक डार्क रूम है, कुछ भी कहीं से भी उसमें उजाला ही नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जब हम उसमें क्या करते हैं, एक बीम ऑफ लाइट को पास करवाते हैं तो क्या होता है, उसमें क्या देखते हैं आप, वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाता है. ठीक है, एंटर्स अ डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल होल, जब हम स्मॉल होल के थ्रू हम लाइट पास करवाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व इन अ डेंस फॉरेस्ट इन द मॉर्निंग. दिस हैपन्स बिकॉज द मिस्ट कंटेन, आप यहाँ पे टिंडल इफेक्ट जो एक कोई फॉरेस्ट होता है डेंस फॉरेस्ट, उसको हम अगर सुबह सुबह देखें तो वहाँ पे भी टिंडल इफेक्ट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. कैसे, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि जो मिस्ट होती है, फॉग मिस्ट, ठीक है, धुआं कंटेन्स द वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. तो इसमें क्या होता है, उमस जो होती है इसमें क्या होता है, ड्रॉपलेट्स होती है वाटर की. जैसे एक फॉग है, फॉग के अंदर क्या होता है, वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो वो क्या हो जाते हैं बेटा, एयर में डिस्पर्स हो जाती है, डिस्पर्स्ड इन एयर, फिर क्या कर देते हैं वो, विच स्कैटर द सनलाइट, और वो क्या कर देते हैं, सनलाइट को स्कैटर कर देते हैं. ठीक है, जहाँ पे वाटर होगा वहीं पे ये इफेक्ट शो होगा. ठीक है,
तो दिस हैपन बिकॉज मिस्ट, यानी कि जो मिस्ट बोल दो या फॉग हो गई, वो क्या करते हैं बेटा, जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है उनको अपने कंटेन करते हैं और क्या करते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं एयर में, विच स्कैटर द सनलाइट, जो कि सनलाइट को जो सनलाइट स्कैटर हो जाती है, ठीक है, सनलाइट को स्कैटर करते हैं, फैला देते हैं, ठीक है। ये हो गया टिंडल इफेक्ट के कुछ एग्जाम्पल्स, जिसकी वजह से आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे एक और लास्ट प्रॉपर्टी बच रही है इसकी, आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है देखते हैं। When we apply electricity through a colloidal system, यहाँ पे क्या ये प्रॉपर्टी किसकी, colloidal system की प्रॉपर्टीज है, colloidal solution की प्रॉपर्टीज है। तो colloidal system में सारे colloidal particles तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। जब हम क्या करते हैं electrophoresis, नाम से क्या पता लग रहा है, electricity से related होगा, ठीक है। तो जब हम क्या apply करते हैं, जब हम electricity apply करते हैं through the colloidal system, द पार्टिकल्स मूव आइदर टूवर्ड्स द पॉजिटिव और द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जब हम किसी कोलाइडल सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं या तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ या फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं, और इस माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, जो ये माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स होता है टूवर्ड्स द अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी कि जो ये माइग्रेशन होता है ये किसका माइग्रेशन, कोलाइडल पार्टिकल्स का माइग्रेशन किसकी तरफ, अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। यानी कि जो पार्टिकल्स पॉजिटिव हैं वो तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, और जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। तो इस माइग्रेशन को ही क्या कहा जाता है बेटा, इलेक्ट्रोफोरेसिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इसमें प्रॉपरली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो अप्लाई कर दी जाती है किसके अंदर, जो और जो ये कोलाइडल पार्टिकल्स। सिंपल है, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे कोलाइडल सिस्टम में, और जो पार्टिकल्स जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स लेंगे हम, जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं वो भी एक पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोड्स क्या होती है, एनोड कैथोड, ठीक है। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होंगे, मतलब यानी कि जो नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, इसी माइग्रेशन को हम क्या कहते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। If the colloidal particles collect near the negative electrode of the battery, the colloidal particles are positively charged. And if the colloidal particles collect near the positive electrode of battery, then colloidal particles are negatively charged. ठीक है, जब कोई colloidal particles कहाँ चले जाएंगे, near the negative electrode of battery. Battery में क्या होता है बेटा, एक negative electrode होती है और एक positive electrode होती है। अगर जो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, तो वो किसकी तरफ चले जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द बैटरी की तरफ अगर चले जाएंगे, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे तो क्या होगा, ये सब नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद में क्या दिया हुआ है आपको, सेपरेशन ऑफ अ कंपोनेंट्स। तो बेटा वीडियो का टाइम इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, तो हम ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो में ही स्टार्ट करेंगे। एक बारी मैं आपको फिर से इलेक्ट्रोफोरेसिस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस में आपको बस ये प्रोसेस ध्यान रखना है, होता क्या क्या है इसमें, क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं हम कोलाइडल सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। फिर उसके बाद जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, माइग्रेशन होता है इसमें, माइग्रेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो क्या करने लगते हैं, जो अपॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स होते हैं उधर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जो नेगेटिवली चार्ज है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है। इसी माइग्रेशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद
जो वो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द बैटरी में जो क्या हो जाते हैं वहां पे जाके कलेक्ट हो जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। जो कहाँ जाके कलेक्ट होंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके कलेक्ट हो जाएंगे, उनको बोलेंगे हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जो पॉजिटिवली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाके कलेक्ट हो जाएंगे उसको बोलेंगे हम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इतना सा है ये, इसको ध्यान में रखना है। ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। तो थैंक यू एंड बाय बाय।